myself Dr. Balbir Singh, Assistant Professor, Jain Vishwabharati Sansthan, Ladno. इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है. आज हम इस व्याख्यान में विश्व के प्रमुख संविधान नामक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदु ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे. अर्थात ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री के पद की भूमिका और उसकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन करेंगे. प्राय देखा जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो शासन का मुखिया और शासन का आधार माना जाता है. कुछ राष्ट्रों में नाम मात्र के मुखिया और वास्तविक मुखिया दोनों पाए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन और भारत में. तो कुछ राष्ट्रों में एक ही मुखिया होता है, वही वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे अमेरिका में. तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक है. वहाँ पर नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ संसदीय व्यवस्था को शासन का आधार माना गया है. और जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ नाम मात्र की और वास्तविक दोनों कार्यपालिका पाई जाती है. यथार्थ में हम देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका एक प्रभावशाली और सर्वेसर्वा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पाई जाती है. वहाँ पर कार्यपालिका शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सम्राट उत्तरदायी होता है, सम्राट संप्रभु होता है, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री द्वारा प्रयुक्त की जाती. तो हम कह सकते हैं कि शासन का सर्वेसर्वा, शासन की वास्तविक धुरी वहाँ का प्रधानमंत्री माना जाता है, शासन का केंद्र बिंदु माना जाता है. तो आगे हम इस बात पर चर्चा करें कि प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किस प्रक्रिया से होती है और उसकी शासन में क्या भूमिका रहती है और प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति किस रूप में होती है. तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन में एक परंपरा का पद है. वहाँ पर अभिशमय का परिणाम है. वहाँ पर प्रधानमंत्री की प्रभावशाली भूमिका होने का आधार सम्राट का शासन कार्य में भाग न लेना और उसके स्थान पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री का प्रभावशाली होना माना जाता है. प्रधानमंत्री वहाँ कौन बनता है, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है. हालांकि इससे पहले हम यह भी समझ लें कि भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है उसका प्रावधान भी हमने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को आधार मानते हुए अपने संविधान में किया है. तो बहुत सारी बातें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की और भारत के प्रधानमंत्री की हमें एक जैसी प्रतीत होती हैं. तो भारत के प्रधानमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है उसी रूप में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भी वास्तविक स्थिति का निर्धारण होता है. सबसे पहले हम चर्चा करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति. तो प्राय वैधानिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ सम्राट द्वारा की जाती है. सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए उत्तरदायी है. दूसरी बात सामने यह आती है सम्राट किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है. तो प्रधानमंत्री वहाँ पर उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके दल का कॉमन सभा में बहुमत हो, कॉमन सभा में उस दल का प्रभाव हो. अर्थात कहने का अर्थ है जो दल ब्रिटेन में कॉमन सभा में पूर्ण बहुमत रखता हो उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है. तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकता. इस प्रकार की स्थिति उभर कर आती है, क्योंकि उसके सामने कुछ शर्तें हैं, उसके सामने कुछ मापदंड हैं, उस व्यक्ति को ही वह प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित कर सकता है. जिससे दल का बहुमत है लोट कॉमन सभा में उस दल के मुखिया को, उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित कर सकता है. अब कई बार ये स्थिति भी आती है सामने, क्या जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो फिर सम्राट किसको प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करेगा. तो यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी स्थिति में
कॉमन सभा में जिस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री हेतु वह आमंत्रित कर सकता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय सम्राट अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है? तो वह स्वविवेक का प्रयोग तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि उसने मान लो किसी अल्पमत वाले को भी अपनी इच्छा से बुला लिया तो बाद में उसको भी विश्वास मत हासिल करना होता है। तो कहने का अर्थ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए सम्राट की तो केवल औपचारिकता है, सम्राट तो केवल उसका निमित्त मात्र है, प्रधानमंत्री वही बनता है जिसका राष्ट्र में प्रभाव है, या हम यूँ कहें जिसका कॉमन सभा में उसके दल का प्रभाव है, अधिक सीटें हैं, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है और फिर राष्ट्र सम्राट उसको शपथ दिलाता है और प्रधानमंत्री पद प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया में हम सीधा सा लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है और सम्राट कॉमन सभा में जिस दल का बहुमत होता है उस दल के मुखिया को, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद हेतु आमंत्रित करता है। आगे हम बात करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के पश्चात प्रधानमंत्री का मुख्य दायित्व क्या है। तो प्रधानमंत्री का मुख्य दायित्व है, संवैधानिक रूप से हम देखें तो सम्राट को शासन में सहायता प्रदान करना है, शासन कार्यों के बारे में परामर्श देना है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होता है और मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल शासन कार्यों में सम्राट को सहायता प्रदान करते हैं। तो प्रधानमंत्री की वैधानिक रूप से भूमिका एक परामर्शदाता के रूप में है, शासन के संचालन हेतु सम्राट को सहायता देने के रूप में है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो प्रधानमंत्री परामर्शदाता नहीं होता, प्रधानमंत्री वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसके हाथ में सारी शक्तियां होती हैं। वह जो बात या कहीं जो निर्णय सम्राट के पास भेजता है सम्राट उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि सम्राट के पास यदि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा यह आदेश भेजा जाए, यह दस्तावेज भेजा जाए कि आपको मृत्युदंड दिया जाए तो सम्राट उस पर भी मना नहीं करता, ये परंपरा ब्रिटेन में विकसित हो रही है। तो इसके कहने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है, शासन का मुखिया होता है, शासन की संपूर्ण शक्तियाँ उसके हाथ में होती है और वो सारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ विचारकों ने प्रधानमंत्री की भूमिका का विश्लेषण भी किया है, लॉर्ड माले ने उसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है। तो इस कथनों से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा भूमिका शासन में रखता है। अब दूसरी बात आती है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है। तो प्रधानमंत्री का दायित्व है शासन का संचालन करना, शासन की नीतियों को क्रियान्वित करना और राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन करना। तो मोटे मोटे रूप में हम देखें तो वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल के निर्माण में वैधानिक रूप से भूमिका तो सम्राट की मानी जाती है, ये माना जाता है कि सम्राट अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति देखें तो उस मंत्रिमंडल के गठन में सम्राट की भूमिका नगण्य पाई जाती है। कहने का अर्थ है, प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम की सूची सम्राट के पास भेजता है सम्राट उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है, उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो वास्तविक अर्थ में हम ये देखें तो मंत्रिमंडल के निर्माण की वास्तविक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति सम्राट के हाथों, प्रधानमंत्री के हाथों में, सम्राट तो केवल औपचारिक स्वीकृति देने वाला है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण में वास्तविक भूमिका प्रधानमंत्री की ही होती है। दूसरी उसकी शक्ति देखें, दूसरा उसका कार्य देखें, उसकी भूमिका का अवलोकन करें तो मंत्रिमंडल का संचालन करता होता है, अर्थात मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात जो मंत्री सदस्य होते हैं उनको विभागों का वितरण करता है, उनको शक्तियां बांटता है और उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण के साथ साथ मंत्रिमंडल के संचालन में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तीसरी उसकी शक्ति या उसकी भूमिका की हम बात कहें तो वो न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है,
न केवल मंत्रिमंडल का संचालन करता है बल्कि मंत्रिमंडल को भंग भी कर सकता है, अर्थात मंत्रिमंडल का विघटन करने की शक्ति भी प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। अब हम ये कहेंगे कि वह मंत्रिमंडल का विघटन कैसे करता है। यदि प्रधानमंत्री को लगे कि मंत्रिमंडल के सदस्य उसके नियंत्रण में नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्य उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो वह मंत्रिमंडल को भंग करता है और इस हेतु वह सम्राट को परामर्श देता है कि इस मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाए। सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण में, संचालन में और उसके विघटन में प्रधानमंत्री ही की व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी कारण मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के इस प्रकार की स्थिति का अवलोकन करते हुए प्रोफेसर लास्की ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जन्म मरण का केंद्र बिंदु है, अर्थात मंत्रिमंडल गठन कैसे होगा, मंत्रिमंडल का संचालन कैसे होगा, मंत्रिमंडल कब तक कार्य करेगा, कब तक शक्तियों का प्रयोग करेगा, ये सारे प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में व्यवहार में पाए जाते हैं। तो ये तीन कार्य या शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री के हम ये मान सकते हैं कि वो मंत्रिमंडल का निर्माता, मंत्रिमंडल का संचालन करता और मंत्रिमंडल का संहार करता होता है, अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण में, मंत्रिमंडल के संचालन में और मंत्रिमंडल के विघटन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये तो सामान्य उसकी शक्तियाँ होंगी। अब उसकी विधायी शक्ति या विधायी कार्य की हम बात करें तो प्रधानमंत्री को कानून निर्माण के मामले में वैसे तो कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो संसद में वही विधेयक कानून बन पाता है जो प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप हो। क्योंकि संसद में जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर जब संसद के सदस्य स्वीकृति प्रदान करते हैं तो प्रधानमंत्री के दल के ही ज़्यादा होते हैं और प्रधानमंत्री जिनको चाहता है उनको संसद के सदस्य स्वीकृति प्रदान कर देते हैं और वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो कौन सा विधेयक कानून बन पाएगा, कौन सा विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, इसके निर्धारण में वास्तविक भूमिका प्रधानमंत्री की ही रहती है। तो विधायी कार्य या हम कहें कानून निर्माण का कार्य संसद का होता है, लेकिन संसद की सारी कार्यवाही प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही व्यवहार में चलती है। क्योंकि प्रधानमंत्री के दल का संसद में बहुमत होता है, संसद में उसके सारे अधिकांश सदस्य होते हैं और जिन विधेयकों को प्रधानमंत्री चाहता है उनको संसद के सदस्य स्वीकृति प्रदान कर देते हैं और वो नहीं चाहता है तो उनके दल के सदस्य उसे अस्वीकृत कर देते हैं। तो विधि निर्माण में, कानून निर्माण में भी प्रधानमंत्री की व्यवहार में भूमिका देखने को मिलती है। फिर कार्यपालिका शक्ति हम बता सकते हैं उसकी। कार्यपालिका शक्ति में संपूर्ण जो प्रशासन के संचालन का दायित्व है वो प्रधानमंत्री के कंधों पर ही होता है। सैद्धांतिक तौर पर यह सम्राट का कार्य है, लेकिन व्यवहार में संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा ही प्रयुक्त की जाती है। तो प्रशासन के संचालन में, नीतियों के क्रियान्वयन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर नियुक्ति संबंधी शक्ति। प्रधानमंत्री कुछ नियुक्तियां करता है, जैसे अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है और अन्य जो महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्र में नियुक्तियां की जाती हैं वो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि राष्ट्राध्यक्ष उन नियुक्तियों का आधार प्रधानमंत्री के निर्णय को ही मानता है। जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है उसके लिए प्रधानमंत्री व्यवहार में स्वीकृति देता है तो राष्ट्राध्यक्ष उसी व्यक्ति की करता है अन्यथा नहीं करता है। तो नियुक्ति का कार्य वैधानिक तौर पर राष्ट्राध्यक्ष को होता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष उन्हीं नियुक्तियों को स्वीकार करता है, उन्हीं व्यक्तियों को किसी पद पर नियुक्त करता है जिनका नाम प्रधानमंत्री चाहता है। तो राष्ट्र में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ होती हैं उनमें भी प्रधानमंत्री का अप्रत्यक्ष रूप से रोल माना जा सकता है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री की कहीं न कहीं भूमिका रहती है, उसी का निर्णय प्रभावी होता है। फिर हम कहें वह विदेश नीति का निर्माता होता है, विदेश नीति का संचालन करता होता है। किसी भी राष्ट्र में जो वैदेशिक संबंधों का संचालन होता है वो विदेश मंत्री द्वारा किया जाता है और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही करता है। तो जो भी राष्ट्र की नीति होगी, जो भी दूसरे देशों के साथ संबंध होंगे, जो भी किसी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी होगी उसके निर्धारण में, व्यवहार में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। तो वैदेशिक संबंधों के संचालन का
कार्य विदेश मंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन विदेश मंत्री व्यवहार में प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही करता है। इसके अलावा दूसरे देशों में जो राजनीतिक यात्राएं की जाती हैं वो भी प्रधानमंत्री करता है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को या प्रतिनिधियों को अपने देश में आमंत्रित किया जाता है, उस बात के निर्धारण में भी प्रधानमंत्री की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शासन की धुरी, शासन का केंद्र बिंदु, शासन का सर्वे सर्वा कहा जा सकता है और राष्ट्र में उसको वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्राप्त रहता है। चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, दोनों की एक समान स्थिति देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जो पद है शासन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उसे अनेकानेक शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं और वो देश का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये तो हुई उसकी नियुक्ति की बात और उसके शासन में भूमिका और शक्तियों की बात। आगे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति आसीन होता है उस व्यक्ति की स्थिति का अवलोकन करें तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति होती है। कोई व्यक्ति एक साधारण प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर पाता है तो कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर जाता है। अर्थात संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को एक समान शक्तियां प्रदान की जाती है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति की स्थिति और भूमिका अलग अलग प्रकार की होती है। इसके आधार क्या है, इस बात को हम समझने के लिए स्पष्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद पर कार्य करता है, अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, और कोई व्यक्ति उसी पद पर रहते हुए एक साधारण या कामचलाऊ प्रधानमंत्री के रूप में ही अपनी भूमिका अदा कर पाता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करती है, तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके आधार पे उसकी स्थिति का निर्धारण होता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो एक प्रभावी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भूमिका का निर्वाह कर पाएगा, और यदि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो एक कामचलाऊ प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उसकी स्थिति का निर्धारण करता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के दल की कॉमन सभा में स्थिति। यदि प्रधानमंत्री का दल कॉमन सभा में बहुमत में है तो प्रधानमंत्री दृढ़ता से निर्णय ले पाएगा, वो किसी के दबाव में नहीं रहेगा और एक प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भूमिका का निर्वाह कर पाएगा। और यदि दूसरे रूप में प्रधानमंत्री का दल अल्पमत में है, दूसरे दल के सहयोग से कोई सरकार बनी है, या हम कहें प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी भी विश्वास प्रस्ताव आने का डर रहता हो, तो प्रधानमंत्री हमेशा अपने विश्वास मत को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है और वह एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता है। तो प्रधानमंत्री के दल की कॉमन सभा में कैसी स्थिति है उसके आधार पर उसकी स्थिति का निर्धारण होता है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री के खुद की उसके दल में क्या स्थिति है इसके आधार पर भी उसकी स्थिति का निर्धारण हो सकता है। यदि मान लो प्रधानमंत्री का दल है उसमें उसका नेतृत्व सुदृढ़ है, दल के सारे सदस्य उसके नियंत्रण में है, तो वह प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और यदि प्रधानमंत्री का अपने दल पर कम नियंत्रण है, दल के सदस्य उसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, तो वह एक कामचलाऊ राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। चौथी बात, प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाली उस राष्ट्र की परिस्थितियाँ कैसी हैं। यदि राष्ट्र की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, भारी आक्रमण के खतरे का डर कम है, राष्ट्र में कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं है, राष्ट्र में कोई महामारी की स्थिति या अकाल की स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाएगा। और यदि राष्ट्र में परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, भारी आक्रमण का खतरा है, राष्ट्र में कोई गृह युद्ध की स्थिति है, राष्ट्र में कोई फूट की स्थिति है, राष्ट्र में कोई महामारी या अकाल की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा और उसकी भूमिका एक साधारण राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ही रह पाएगी, वो अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से अदा नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कई घटक होते हैं, कई तत्व होते हैं जिनके आधार पर प्रधानमंत्री की स्थिति का निर्धारण हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रधानमंत्री पद का अलग अलग
प्रभाव होता है उसकी अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसकी शक्ति और भूमिका और उसकी स्थिति को निर्धारित करने वाले वास्तविक तत्वों का अध्ययन करके हम इस बिंदु को समझ सकते हैं। आज के इस बिंदु में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।